نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد تاك شعر عربی زبان اندر جڑے میں ابتدائی خطبے وچ پڑھن دا ارادہ کیتا ہے اے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شعر ہے تسلی محبت نال کہہ دو رحمت اللہ علیہ کچھ تو اس محبت دی بنا تے کہ جن ویراں دے غلط عقائد ہے انہوں پتا چلے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ کی ہے کچھ اس بنا تے بھی کہ عام طور تے کچھ غلط فہمیاں لوگ پیدا کر دیندے نے کہ جی وہ لوگ نے جڑے اماماں نو نہیں مندے غلط فہمیاں دور کرو میرے تو پہلے محترم مولانا محمد ارشد صاحب ارشاد فرما رہے سن کسی نال کوئی اختلاف نہیں کسی نال کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں بات صرف اتنی ہے کہ ہر امتی دی بات نو مدینے والی سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال پرکھن دے آدیاں جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ دی ہے انہوں من لینے جو مدینے والی سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ دی بات کڈی اچھی کیوں نہ ہوئے پر مدینے والی سرکار دی بات نہ لو کوئی بات اچھی نہیں ہے اس کر کے اس بات نو نہیں من دے تو میں عرض کیتا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ محبت نال کہو رحمت اللہ سارے حضرات کہو رحمت اللہ اللہ دے دربار وچ عرض کر رہے نے الہی عبدک العاصی اتاک الہی اے میرے حقیقی بادشاہ الہی اے مینو اپنی بارگاہ اندر حاضری دی سعادت دینے والے بادشاہ بے رات انہاں بے نصیباں دی بھی گزر جاندی ہے جڑے سینمے وچ گزار دیندے نے رات ان نصیباں ہاریاں دی بھی گزر جاندی ہے جڑے بے حیائی دے پروگراماں وچ گزار دیندے ہیں مگر نصیباں والےو رات میری تو خاڑی بھی گزر جانی ہے جو اللہ اور اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پاک فرمان پڑھ دیاں سن دیاں گزار دیتی ہے دعا کرو اللہ اس لگی رات نو قبول فرما لے آمین الہی
दुकर आसी अता का ए मेरे अल्लाह तेरा गुनागार बंदा तेरे दरवाजे ते हाजरे याद रखो नाराजगी होवे ना चाहती होवे ना इत्तफाकी होवे कोई बंदा किसे बंदे नु दरवाजे ते आउण देने वास्ते तैयार नहीं हुंदा कोई जरूरत भी नहीं करदा के नाराजगी वाली जगह ते किसे दे घर चलिया जावे मालूम होया मेरे तुहाडे नाल अल्लाह दी रजा मंदी है जो मैनू तैनू अपने दर उत्ते अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है दुआ कर अल्लाह इस लगी हुई सादत दिया घड़िया नू रहमत दिया छट्टा नू अल्लाह कबूल फरमा ले अर्ज कीता इलाही आबुदू कर आसी अता का मेरे अल्लाह तेरा गुनहगार बंदा तेरे दरवाजे ते हाजरे बंदा बंदा ही रहेगा माबूद माबूद ही रहेगा बंदे ते माबूद दे दरमियानी फासले किन्ने ही नेड़े क्यों ना हो जान किन्ना ही तकर्रब क्यों ना हो जावे मगर फिर भी बंदा बंदा ही है माबूद माबूद ही है आबुदू कर आसी अता का अल्लाह मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा दे दिहाड़े फातह दी हैसियत नाल काबतुल्लाह अंदर दाखिल होए सब तो पहले सामने नजर काबा दे गिलाफ उत्ते पई अल्लाह मेरे पुर रहमत पैगंबर ने अपने दुआ वाले हाथ उठाए अर्ज किया अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका सुभान अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका फाग़फिर ली ज़म्बी फिर दोबारा इन अल्फाज़ां नू और अल्फाज़ां दे इज़्ज़ो नियाज़ नाल दोहराया फिर अर्ज किया अल्लाहुम्मा इन्नी उबैदुका अल्लाह आबदों का अल्लाह तेरा बंदा उबैदों का अल्लाह तेरे कमजोर तरीन बंदा तेरा कमजोर तरीन बंदा जो मेरे जिया कायनात अंदर बंदा कोई नहीं तेरे जिया माबूद कोई नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो अर्ज कर रहा आबदों कर आसी अता का मुकर्रम बिज़ुनूब वक़्ता का इस हालत अंदर के इकरार करता है अपने गुनाह दा ते तेरी रहमत नू आवाज देंदा है वक़्ता का सिर्फ और सिर्फ तैनू पुकारदा है सिर्फ तैनू पुकारदा है फ़इन तफ़अलता लिज़ाका अख़लू जे तू माफ कर दे ते तेरी छाया ने शाने तू गुनाहगारां दे गुनाह माफ कर दे मैं अल्लाह मेरे भी गुनाह माफ फरमा दे फइल तत्रुद फमैया रहम सिवा का अगर तू धुतकार देने कौने तेरे सिवा जड़ा मेरे हाल ते रहम करे अल्लाह किसी दा कोई दरवाजा किसी दा कोई दरवाजा मेरे अल्लाह मेरा सिर्फ तेरा ही दरवाजा फमाई यार हम सिवा का अगर तू धुतकार देवे कौन है तेरे सिवा जरा मेरे हाल तेरा हम करे बमाली गैरो बाबिल्लाहे बाबुल मेरे अल्लाह नहीं मैनू तेरे दरवाजे दे बगैर और कोई दरवाजा वला मौला हु अला सिवा हु हबीबू माइन मदाय तो मुहम्मदम बिमा कालते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला किन मदाय तो मकालते बिमुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और नो और दी चाहो से सानू चाह उस बद्र मुनीर दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिदे ना दिया कसमा रब खावे जिदी उंगली
चांदनु चीर दिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबियल उम्मी वाज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन वज़ुर्रियतिही वाहली बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। हमदा सनावात किबरियाई दे पाक मुकद्दस मुतहर मुअल्ला कलमे अल्लाह जल्ल जलालहू वास्ते दरूद ओ सलाम आकाए दो जहां रहमत कायनात फख्र मौजूदात खातिमुल मुरसलीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम वास्ते जनाब सादर ग्रामी कादर ज़ी वकार उलमाए कराम बुजुर्गो दोस्तों अजीजो इंतहाई एहतरामा दे लायक माओ बहनों मुअज़्ज़ज़ात बेटियों दाए अल्लाह इस पुरश को हाजरीनों अपनी रजा रहमत वास्ते मंजूर मकबूल फरमान। अल्लाह मैंने तहानू अमल वाला बनान बद अमली दी जिंदगी तो अल्लाह पाक महफूज फरमान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। ये तकरीर आप दावत कुरान हदीस चैनल से समाअत फरमा रहे हैं। तमाम जय्यद अकाबर उलमा अहले हदीस की तकरीरों का वाहिद चैनल दावत कुरान हदीस दावत कुरान हदीस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करोड़ों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने सहाबी झोली अंदर खजूरा पा करके खा रहा है। सादा इतना खजूरा झोली में छुपाइया हुई मैदान है जंग अंदर खा रहा है। नबी और रहमत हुजूर अलैहि सलाम अर्ज करता है महबूबा ओ जड़ी बहिश्ते बरीन दा वादा करते रहते हो रोज बहिश्ते बरीन दा जिक्र करते रहते हो दसो ना वो इस थां तो बहिश्ते बरीन किन्नी दूर है। और रहमत पैगंबर अलैहि सलाम दी जबान ने मोती बखेरे लोलो लाला लौटाए हजरत ने फरमाया बस एथो ओथे तक ओथो बंदा सीधा बहिश्ते बरीन अंदर चलिया जाता है। साहबी ने खजूरा वाली झोली ऐं करके उछलाई आदा फिर एथे खाण दी की लोड़ है ओथे ही जा करके खा लवांगे। अमल वास्ते सुनदे सन दुआ कर अल्लाह मैनू तेनू भी अमल दी तौफीक अता फरमान। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम सहाबा कराम अंदर तशरीफ फरमा है हजरत फरमा रहे सहाबियों मेरे अल्लाह ने मैनू विखाया है यहूदियों का फला शहर फतह हो गया है ओदे विचों फतह के बाद बंदे निकल करके दौड़ रहे हैं उस यहूदी सरदार की भैन भी कुमैत घोड़े पे सवार हो करके जा रही है। ये सहाबी अर्ज करता है अल्लाह के प्यारे रसूल वो औरत मैनू अता फरमा दो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चल तैनू दे छड़ी। पैगंबर रहमत हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस सहाबी उन सहाबा नु आदा क्यों भाई सुन रहे हो ना। नबी अलैहिस्सलाम हंस पाए अर्ज करदा या रसूल अल्लाह ओ बात एक बारी फिर जिक्र फरमा दो। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया भाई मुसलमान फौजा ने चढ़ाई की है मेरा अल्लाह मैनू दिखा रहा यानी हजरत पैशेम कोई फरमा रहे हैं फला शहर फतह होया ओदे अंदर इस तरह करके लोग निकल करके यहूदी ईसाई दौड़ रहे हैं उन्हें अंदर एक औरत घोड़े कुमैत पे सवार होकर के जा रही है मैंने अल्लाह दिखा रहा है। सहाबी ने आख्या अल्लाह के रसूल अगली गल भी करो ना जिहड़ी हुणे कीती सी। हजरत ने हंस के फरमाया मियां भाई वो घोड़ा वो औरत मैं सहाबी नू दे छड़ी है।
नबी अलैहिस्सलाम दा दौर खत्म होया, हजरत अबू बकर दा दौर खत्म होया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला दे पहले पांच साल दौर गुजरे, छे साल वो शहर जा करके फतेह होया। जिस वेले लोग दौड़न लगे, ए सहाबी ऐन उस रस्ते ते जा करके जो हजरत ने फरमाया खड़ा हो गया। उसे तरह औरत गुजरन लगी, इन्हें जा करके घोड़े की बाग पकड़ ली और फरमाया आज तो कई साल पहले पैगंबर रहमत हुजूर अलैहिस्सलाम तैनू मैनू दे करके गए हैं, लिहाजा तू नहीं जा सकेंगी। ये ले करके गालिबन जरनैल उस वक्त अमर बिन आस हैं रजी अल्लाह तआला ले आया और आकर के पूरी बात दोहराई। जरनैल रोई जा रहा है, अमर बिन आस रोई जा रहे हैं और फरमाते ने लोगों देखो अल्लाह ने मेरे पैगंबर की बात किस तरह सच्ची फरमा छी है। सुभान अल्लाह। एक दो सहाबा इस वक्त उन सहाबा विचो जिंदा मौजूद है सन, उन्होंने गवाही दी कि बेनी ही ने बात साड़ी अखों के सामने हुई है। फरमाया किस औरत भाई तेनू इख्तियार है तू लै जा। सहाबी ने खेमे के अंदर उन औरत नु बिठाया, बाहर घोड़ा बनिया, इधरों सुलो दे सफेद झंडे बुलंद हो, सुलो दियां दरखास्तां होण लग गईयां। हजरत अमर अलास ने सारिया बातां मंजूर कर लिया, मगर आख्या कि वो लड़की जड़ी है सरदार बादशाह की बहन है, उन्हें लौटाने का मैनु इख्तियार नहीं है। हर बात का मैं इख्तियार रखना, वो लड़की लौटाने का इख्तियार उस सहाबी नु है जिन्हों हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त की पेशेन गोई दे एतबार नाल दे करके गए हैं। इस सहाबी नाल आ करके ना बंदिया ने बात की थी। ए आदा मैं तो इन्ने बड़े पैसे लवांगा और तारीख गवाह है कि यह बंदा कहता ना कि एक पासे सोना पा दे और दूसरी तरफ लड़की पा के जोक के लवांगा सोना, इना इनकार नहीं सी करना। मगर याद है कि मैं इन्ने पैसे लवांगा यानी हत्था नाल इंजन करके एक दो दफा चार दफा पांच दफा इन हत्था नू करदा है। उन्होंने उन्ने दिरहम दे अगे सट दे या दिनार या जो सिक्का है सी दे करके लड़की लै गए। मतलब मेरा यह है जो सादे इतने के जिन्हें एक दो तीन चार पांच गिनने का बल नहीं आता, इतने सादे के गिनती नहीं आती, इतनी सादे के जहन कई बहुत बड़ी दौलत की तरफ नहीं जाता, इतने सादे के जो फैसले दे इतने पाबंद खैर कि उससे वेले उस लड़की नु लौटा दिता। मगर अल्लाह अल्लाह ईमान इतना पक्का है कि कायनात दी हर बात गलत हो सकती है पर मदीने वाले सरकार की बात च शक नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। यो बंदे हैं जेड़े बाद सिर्फ अमल वास्ते सुनते सन, अल्लाह को दुआ कीता करो अल्लाह मैनू तैनू भी अमल वाला बना दे। ये मैनू भी पता है कि रात दिन तुसी असी वाद करदे सुनदे रहने आ, मगर वाद दे अंदाज बदले हुए ने, अपने अपने आइडियल बदले हुए ने, स्टाइल बदले हुए ने मुकर्रा ने, और हर बंदे दा एक मतमाए नजर हुंदा है, हुंदा ये है कि मेरे सानी मेरे को मुतमैन होकर के जान, खुश होकर के जान। दुआ करो इस सारे मकसद दा रात जगे दा तशरीफ लियाने दा बैठने दा मकसद सिर्फ एक होवे कि अल्लाह राजी हो जावे। मोहब्बत नाल कहो या अल्लाह तू राजी हो जा, मौला अपने बंदे नाल रजात रहमत अता फरमा। रात तकरीर अंदर मैं एक निका जिहा वादा कर बैठा कि मैं अज तुहाडी खिदमत दे अंदर मौजू अर्ज करांगा मेरा अली और तेरा अली। मगर इत्थे दे इश्तिहार दे रिवाज दे मुताबिक एक है कि सीरत उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पाकीदा मौजू ते गोश गुजार की जान। इंशाअल्लाह ये मौजू किसी दोबारा वक्त अंदर अर्ज करांगा, आज सिर्फ सीरत उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पाकीदा मौजू ही अर्ज होएगा। और अल्लाह को दुआ करो अल्लाह हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत तैयबा ते सानू अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी सूरत भी लाजवाब है, सीरत भी लाजवाब है। कायनात दे वाली दी कसम है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी सूरत जही किसे दी सूरत नहीं है। इवें तरह पैगंबर रहमत हुजूर अलैहिस्सलाम दी सीरत जही किसे दी सीरत नहीं है। सूरत भी आला, सीरत भी आला, जात भी आला, बात भी आला,
शान भी आला फरमान भी आला प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दे जनाब जेही किसे दी जनाब नहीं है एवे तरह प्यारे पैगंबर दे खिताब जेहा किसे दा खिताब नहीं है मोहब्बत नाल कहो जरा सल्लल्लाहु याद रखो बंदा बखील बंदा है जेड़ा बंदा हजरत दा नाम सुन के दरूद नहीं पढ़दा ओ बंदा बहिश्ते बरीन कोलो दूरे ओ जहन्नम दा बालन जड़ा दरूद दा इनकारी है हजरत दा नाम आवे ते मोहब्बत नाल क्या करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दौर नाल कह दियो उम्मतियो ओंजी मेरा तुहाडा हक बनदा है जड़ा मोसल अद्धी अद्धी राती उठ उठ रोवे मेरे तुहाडे वास्ते या रब्बे उम्मती दी सदा मेरे तुहाडे वास्ते दिल दे उजाले विच हाथ उठा के पैगंबर दुआ करन अल्लाह मेरी उम्मत मुआफ कर दे मेरे तुहाडे वास्ते कयामत वाले दिन अल्लाह दे अर्श दा पावा पकड़ करके या रब्बे उम्मती दी सदा मेरे तुहाडे वास्ते कयामत वाले दिन अल्लाह दे पैगंबर बहिश्त दा बुआ खड़कान मेरे तुहाडे वास्ते अल्लाह दे सामने अर्श अल्लाह दे सामने अल्लाह पाक दे सामने मैदान रखिया होवे हजरत शबात कुबरा दा इस्तेमाल फरमाउण मेरे तुहाडे वास्ते देखिया गया कि कुमती दे गुनाह कम हो गुनाह ज्यादा हो रहे हैं नेकियां घट रही हैं बुराइयां बढ़ रही हैं बुराइयां वाला पलड़ा भारी हो रहा है नेकियां वाला पलड़ा घट रहा है पैगंबर रहमत अगे हो करके अपना पैर मुबारक रख देन नेकियां वाला पलड़ा झुक जावे भारी हो जावे मेरे अल्लाह वे करके फरमाओगे जा मेरे पैगंबर इस उम्मती दे गुनाह सिवा फरमा छे उम्मतियो मेरा तुहाडा भी हक बनता है हजरत नाम आवे ते मोहब्बत नाल दरूद पढ़िया करो मोहब्बत नाल दरूद करो सल्लल्लाहु अलैहि कार दी मोहर लगी हुई है मोहब्बत नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा हो अभी व उम्मी व रूही व जसदी व कुल्लो शय माइंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रे दे जर्रात नाल बढ़ के पानी दे कतरात नाल बढ़ के हवावां दे फर्राटे नाल बढ़ के करोड़ों करोड़ मरतबा मिलियन मिलियन कदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे क्या करो सल्लल्लाहु सिद्दीका कौन है सैयदा तय्यबा ताहिरा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन बीबियां पूछने लगियां औरतां पूछने लगियां बीबी भला यूसुफ अलैहिस्सलाम सोने या साडे मुहम्मद रसूलुल्लाह सोने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम नु औरतां ने देखिया ते कहा कुल ना हाशा लिल्लाह मा आदा बशरा इन आदा इल्ला मलकुल करीम हाथ कट ले फला कटण दी बजाय छुरियां अंगलियां ते मार लिया कत्ता ना ए दिया हुल नाले नाल कह लगियां कुल ना हाशा लिल्लाह मा आदा बशरा इन आदा इल्ला मलक करीम बीबी भला यूसुफ अलैहिस्सलाम ज्यादा खूबसूरत सन या साडे मुहम्मद रसूलुल्लाह क्या अजीब कोई कह गया है अगर हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यद बैदा आरी आंचे खोबा हम दारंद तू तनहा दारी कौन लादिया ने नी चुप हो जाओ जिन्ना यूसुफ करीब नू वेख्या ओना अंगली कटाइया पर उन्हां नू ईमान वाली दौलत ना नसीब होई जिन्ना मेरे मुहम्मद नू वेख्या ओना अल्लाह अल्लाह ओना ने मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ते कलमा पढ़िया ईमान वाली दौलत मिली ओना ते लहू दा कतरा बाद इस जमीन ते गिरिया अल्लाह ने उन्हां नू बहिश दा मालिक पहले बना छड़िया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इस नालों भी बात बात फरमा दिया ने फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे घर अंदर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ओ घर केड़ा मुबारक जिदे अंदर पैगंबर रहमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रखदे होणगे कायनात दीआं बिल्डिंगां कुर्बान ओदे थल्ले जर्रे तू जिदे अंदर हजरत आराम फरमा लैण अल्लाह अल्लाह ओ कौन सिद्दीका कायनात दा हुजरा आले जनाब आयशा सिद्दीका दा मस्कन ते मकान सिद्दीका कायनात रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा सलावातुल्लाह अलैहा सलामुल्लाह अलैहा मुहब्बत लाल कौज़र रज़ी अल्लाह आला
सिद्दीकाए कौनैन आदियां ने पैगंबर अलैहिस्सलाम घर दे आंगन अंदर बैठे हुए हजरत दे मत्थे मुबारक ते पसीना लो लो लाला बन करके बिखरी जा रहा है, यानी पसीना लड़ियां भर के मोती बन करके बिखरी जा रहा है। मैं दिया ने मां आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दिया ने मैं वेदी रही देखती रही, जल्दी नाल उठी दुपट्टा उतारिया, अपना दुपट्टा उतार के हजरत दे मत्थे मुबारक तो पसीना पूछ के हजरत दे मत्थे ते बोसा दिता, चुमया हजरत दा मत्था मुबारक। नाले आदिया ने लबामी ज़लेखा लौरा अल जबीना हो ला असर ना बिल कतिल कुलूब अल लदे। ऐ काश ज़लेखा वालिया औरतां जिन्ना यूसुफ करीम ने क्या अल्लाह अल्लाह जियो मेरे मुहम्मद नु वे दिया अपने जिगर कट के हथेली ते रख लेंदियां। यूसुफ करीम नु वे क्या अंगली कटाइया जियो मुहम्मद करीम नु वे दिया अपने जिगर कट के हथेली ते रख लेंदियां। अगे इस नालों विवाद के बाद कीते फरमाया फैजा नजर ताई लसरा एरे वजह ही बरकत का बरकल आरजल मुतहल्लले। जिस वेले तेरी नजर मेरे पैगंबर दे चेहरे दियां लकीरां वले उठे हजरत दा चेहरा इंज चमकदा है जिवें 14वीं रात अंदर चल चमकदा है। गलियां चमकार दियां 14वीं रात दे चंद नाल कोई तशबीह नहीं है, जो कदी डुब जावे कदी निकल आवे कदी गुरूब होवे कदी जाखर होवे अल्लाह अल्लाह, कदी छुप जावे कदी तुलू होवे कदी तुलू होवे कदी गुरूब होवे, मगर मेरे पाक पैगंबर दी नबूत वाले चंद नो अल्लाह ने इंज दा चाड़िया कि जिथों तक खुदा दी खुदाई है उथों तक मुस्तफा दी मुस्तफाई है, जिथों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन है उथों तक मेरा पैगंबर वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए मदीना तैयबा दे अंदर, सारे इस्तकबाल वास्ते निकले, औरतां मर्द बुढ़े बंदे यहूदी ईसाई सब निकले। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे रस्ते दे अंदर दीदा दिल फर्श राख होए ने अदे ताला अल बदरो अलैना मिलतनी या दिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाह दाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओदो पहले जदों मदीना तैयबा जाईदा सी हुण ते मसाजिद दे अक्सर बेशतर निशान मिटा दिते गए खैर और आला तरीन मस्जिदा बन गई उथे जदीद इमारत बन गई या अक्सर हिस्सा मस्जिद नबी के अंदर आ गया है। उदो मस्जिद नबियों परले पासे सब्जी मंडी की तरफ निकल दी एक मस्जिद आती सी जिदे अगे छोटिया छोटिया बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए नजर आते सन। पाकिस्तानी खुजाज ने यानी आज तो 15 साल पहले देख करके कहना शुरू कर देंगे सन जाल पाकिस्तान पाकिस्तान आ गया पाकिस्तानी आ गए और आंधे अखिली अरबी जबान दे शेर दोहराते सन जिन शेरां नू अज तो 1400 साल पहले उन बच्चियां बच्चियां ने दोहराया जिहड़े हुजूर अलैहिस्सलाम दे इस्तकबाल वास्ते मौजूद है सन। वो की आंदे सन ओ आंदिया सन नहनो बनी नजारी या हब्बादा मुहम्मद मिंजारी असी बनी नजार दिया धीआं अल्लाह ने साडा केडा चंगा नसीबा बनाया कि अल्लाह ने सानू हजरत दा पड़ोसी बना छड़िया है। सुभान अल्लाह। एजाद कोई कम है इज्जत कोई कम है कि किसे नू कोई पड़ोस मिले किसे नू कोई पड़ोस मिले। ओ बंदे जिन्हां नू अल्लाह ने हजरत दा पड़ोसी बना छड़िया हजरत दा जिन्हां नू पड़ोस अता फरमाया ओ नसीबा वाले बंदे। इसे करके ते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आदे ने अल्लाह अल्लाह इन्नल तैयारी हसाबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लग सलामी रौज़ातन फी खन्नबी
अकबर मोहतरम अकबादोना मजरू खतुल दिल सैफ हिजरिल मुर्तजा तू बाल अहलिल बलदती फी खन्नबीउल मोहतशम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एदा अरबी जबान का तर्जमा किसे अखलुल्ला ने किया है, अल्लाह अकबर। अब यानी नहनु बनी नजारी या हब्बादा मुहम्मद मिन जारी असी बनी नजार दिया दिया अल्लाह ने साडा केडा चंगा नसीबा बनाया, अल्लाह ने सानू हजरत दा पड़ोसी बना छड़िया है। मेरा पंजाबी जबान का एक अहले हदीस एदा तर्जमा करदा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। ये तकरीर आप दावत कुरान हदीस चैनल से समात फरमा रहे हैं। तमाम जैयद अकाबर उलमा अहले हदीस की तकरीरों का वाहिद चैनल दावत कुरान व हदीस, दावत कुरान व हदीस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जिंदी जान जिंदी जान जिंदी जान नबी तो बाहर दिया अल्लाह केड़े सोहने मौसम आए ने साडे घर विच हजरत आए ने हर पासों चानण छाए ने हर पासों चानण छाए ने पईयां गलियां चमकार दिया असी गोलियां उस सरकार दिया जिंदी जान नबी तो वार दिया जिंदी जान नबी तो वार दिया। अल्लाह अल्लाह। उन्हीं रस्तियां दे अंदर एक यहूदी बंदा उदियां चार लड़कियां चारों तौरात ज़बूर इंजील दियां हाफ़ज़ा शायरा बहुत बढ़िया अदीबा फिर बदी शेर कहने वालियां एवे दियां ने कि यहूदी दरवाजा बंद करके बाहरों ताला ला के दियां नू अंदर बंद कर गया है। एक दूजे नूं कहण लगियां नहीं वजह की है सारी दुनिया ते इस्तकबाल वास्ते जावे ओ मुहम्मद मक्के विचों जिहड़ा अल्लाह दा रसूल आ रहा है सारे ओहदे इस्तकबाल नूं जाण साडा बाबा बंद कर गया है कोई गल जरूर है या ते साडे बाबे नूं इह खतरा लाए के कि असी ओहनूं वेख्या ते ओहदा कलमा पढ़ लवांगियां या कोई और बात है। यादियां ने जिहड़ी भी बात है आओ दीवार तो चढ़ करके देखिए किते ओह ज़ाते गिरामी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह ते आ रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने मेरिया धीया बहना भी कंधा तो चढ़ के देदिया ने जब किसी भी गंज आ रही होवे बरात आ रही होवे अल्लाह अकबर। या मेरे मुसलमान बिरा किसी ते शह ते चढ़ करके जदों मस्जिद की घड़ी लानी होवे हैं। पिछले दिनों एक मस्जिद के अंदर चोरी हुई उन्होंने पहले मस्जिद के रेहल रखे रेहल रखने के बाद कुरान रखे उदों ते खड़े होकर के घड़ी उतारी। जिन कौम के हालात हो वो पिस जाया कर दिया अल्लाह उन्हें दिखाए नवे बंदे जाया कर दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए लड़की कर दिए दूसरी एदे मोढ़ियां ते तीसरी चौथी एदे मोढ़ियां ते दीवार तो झांक करके दे दिया ने अगो मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दाची मुबारक ते उस गली अंदर आ रहे ने पईयां गलियां चमकार दिया। सुभान अल्लाह। हजरत दाची मुबारक से तशरीफ लिया रहे हैं अल्लाह अल्लाह। ये लड़की वे करके आ दिए अशरा कल बदरो अलैना वख्तफत मिन हलबुदूर नी चंद चढ़ गया। सुभान अल्लाह। चंद चढ़ गया जिन्ने सारे ही चन्ना नू मात कर छड़िया है। दूजी लड़की आ दी इन्हू मैनू वखाई के राजन दोपहर दोपहरे वेख लिया आदि तू चढ़ के वे ते आदिए मिसलो हुस्नी का मारा ऐना कत्तो मिल वजह सुरूर तेरे जिया सोहना तेरे जिया सोहना तेरे जिया सोहना कदी किसी अख ने देखिया ही नहीं है। तीसरी लड़की आदी नी मैनू वखावी मैं के दसा तेनू के खोजा सोना है। चौ तीसरी लड़की चढ़ दिए आदिए अंता शमसुल अंता कमरुल बंदे दे तसव्वुर अंदर जड़े अल्फाज आ सकते ने उही ने तू चन्न सोहणिया तू सूरज है अंता शमसुल अंता कमरुल अंता बशरुल फौका नूर तू सूरज है तू चन्न है ते बशर पर नूरिया नालों वध करके नूरिया ना लो बद करके। सुभान अल्लाह। मौला करीम ने फरमाया ना
واوحى الى عبد خيما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما جرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى سبحان الله انت بشر فوق نور بعد ادنى कि जी ये ते पैगंबर इस्लाम दा शान वड्डे भरा जितना मनते ने अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जबान सड़े हो जो बंदे दी जेड़े इन दे कलमे बोलदा है अल्लाह पाक हिदायत अता फरमान फिर बंदे आते ने जी ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु नूर नहीं मनते माद अल्लाह ए भी गलत बहतान है मैं अदर ना के मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जिस रस्ते ओ लग जान ओ रस्ता नूर हजरत ने जिस लगाम नू हाथ लाया ओ लगाम नूर हजरत ने जिस बंदे नू हाथ लाया ओ बंदा नूर हजरत जिवें मिंबर ते बैठे उन बैठना नूर हजरत ने जड़े बाल कटा छड़े उन्हां नू कटाना नूर जिवें बढ़ा छड़े उन्हां नू वधाना नूर सुभान अल्लाह नूर ही नूर मेरे पैगंबर की जिंदगी नूर ही नूर अल्लाह अल्लाह नूर पे क्या हजरत सिराज मुनीरा खैर मेरे पैगंबर दा बैठना नूर उठना नूर चलना नूर फिरना नूर सोना नूर बैठना जागना नूर हर कम नूर ही नूर है अल्लाह ने हजरत नू सिराज मुनीरा बनाया तो अर्ज कर रहा जनाब मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम नू वेखने वाली चौथी लड़की आ दिए नहीं मैनू वखा मैं वे के दसा चौथी लड़की वे दिए पिया दिए अंतला शक्का मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतला शक्का मुहम्मद अंत मिवता खुसोदोर एदे अंदर कोई शको शुबा नहीं कि तुसी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अर्ज कर रहा सिद्दी कहे कौन है ना दिन तलला या तलला का तलला इल कमर इल बदरी मेरे प्यारे नबी अलैहि सलाम दे सूरत भी ला जवाब है सीरत भी ला जवाब है साढ़े शायर ने इंतखा कर दी मुजम्मिल मुदस्सिर पे फुल्ला दा सेहरा वा सुभान अल्लाह मेरे मुहम्मद दा चेहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मोहम्मद दा चेहरा हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मोहम्मद बना कर कलम तोड़ दिता मुसब्बर ने तस्वीर इंदी खिंची मुहम्मद बनाकर कलम तोड़ दीती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहिस्सलाम दे रोजे दे सामने मैं खड़िया हजरत दरूद पाक अर्ज कर रहा तो एक बंदा अपनी पश्तो जबान विच नाले रोई जावे नाले कुछ कही जावे उदी पूरी नज़म दा हिस्सा ते मैं ना समझ सकिया कि की आंदा है बार बार एक शेर पढ़े और पढ़न दा मजा उदों ही आंदा सी जदों हजरत दा रोजा अकदस सामने तो दर्द ते मोहब्बत ते तड़प नाल कही जा रहा से अदा हसीना नाज़नीना दिल नशीना बहर सूरत बहर सीरत तसुरन नाज़रीना सुभान अल्लाह हसीना नाज़नीना दिल नशीना बहर सूरत सुभान अल्लाह हर सूरत तेरी जे मैं यामना दी गोदी दे अंदर ते बहर सूरत माई हलीमा सादिया दे घर अंदर लाडला दुध पींदा होया खेलदा नजर आवे बहर सूरत बचपना बहर सूरत जवानी दे दाग बहर सूरत बुढ़ेपा बहर सूरत बहर सूरत बहर सीरत जेड़ा भी सीरत दा पहलू होवे हजरत दी सीरत दा पहलू के मेरे पैगंबर शौहर के हो जे मेरे पैगंबर अपने रब दे बंदे के हो जे अल्लाह दे रसूल के हो जे फाते ते जरनेल के हो जे मेरे पैगंबर एक मुनसिफ दी हैसीयत नाल जज के हो जे मेरे पैगंबर मौन सौगम खार के हो जे मेरे पैगंबर उम्मत दे गम खार के हो जे मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दी सीरत हजरत खतीबे आदम के हो जे मेरे नबी इमाम आदम के हो जे हजरत दी सीरत ए तैयबा के मेरे प्यारे पैगंबर साहिब ए खुल्क अजीम के हो जे मेरे पैगंबर दी सीरत हजरत
सीरत करके हो जे मेरे पैगंबर की सीरत मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कौन पैगंबर तदाद नहीं सी मेरे पैगंबर की सीरत के मेरे पैगंबर अबू के हो जे मेरे पैगंबर की सीरत के मेरे पैगंबर सुसर के हो जे मेरे पैगंबर की सीरत मेरे नबी जवाई के हो जे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत के आप दुनिया के मल जाते मावा के हो जे यतीमा दे सिरा ते दस्ते शफकत रखने वाले बेवगान नाल हमदर्दियां करने वाले लोगों के दुखा सुखा अंदर कम आने वाले के हो जे मोहब्बत नाल रखे सल्लल्लाहु और सीरत दा पहलू ताबनाक है मगर मैं आज जो अर्ज करने का इरादा किया है मैं अर्ज करना है वह इन्नका लाला खुलुक अज़ीम मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम नू रूहानी इज्जतां देने वाले ने बेईमान काफरां ने इंतहा कर दिती सताने दी जिस्मानी तकलीफा देने वाले ने भी इंतहा कर छड़े रूहानी इज्जतां दा ए हाल है कदी आते ने पैगंबर ने सलाम ते मजनून ते दीवाने ने कोई आता है साखिर ते शायर ने कोई आता है कि इन्हां दी बीवी चंगी नहीं है माद अल्लाह सुन माद अल्लाह ए रूहानी इज्जतां दी इंतहा आंदी है जदों कदी बंदा किसे दे घर ते कोई तोहमत लावे इंतहा कर छड़ी यहूदियां ने पापियां ने मेरे पैगंबर ने सलाम दे घर ते तोहमत लाने वाली अल्लाह अल्लाह उन इज्जतां विचों ए केड़ी इज्जत है कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नो याद ने के मजनून ने माना दीवाना पागल अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इंतहा नहीं है कि जब मेरे प्यारे नबी दा जवानी दा जमाना है लोग आदे ने सादे कोल बादल अमीन आ रहे ने मेरे प्यारे नबी दा बचपना है ते लोग एदे सोहां ते कसमां खांदे ने एदे हया दियां ते इज्जत दियां कसमां खांदे ने हुण जदों 40-42 सालां दी उम्र हो जावे लोग वैसे ही आदे ने मियां सियाणा वी ना बंदा है मियां बजुर्ग बंदा है सियाणा बंदा है जदों मेरे नबी दे सियाणे उम्र कहलाण वाले उदों पत्थर मारदे ने पत्थरां अगे इंज भजाया जांदा है मेरे नबी नूं ए पागल ते लड़के बदमाश बदकुमार पिछे लगे होए ने हां हू दा कालम है मक्के दियां गलियां अंदर पत्थरां दी बारिश कीती जा रही है मेरे नबी अग्यों अग्यों भजे जा रहे हैं अल्लाह अकबर पत्थरां दी बुछाड़ अगे मेरे पैगंबर पत्थरां दी बुछाड़ ते हा हा बदमाशियां ते गालियां गलोच बके जा रहे हैं अल्लाह अल्लाह मगर वेखिया ही मेरे सोहने नबी अलैहिस्सलाम ने वेखिया बाहर कर दिता है मेरे पैगंबर नू मक्कियों हजरत वेदे ने पत्थर मारने वाले थक गए ने अक गए ने खलो गए ने हजरत इन्हां वन्ने मुंह कर लैंदे ने आसमानां वन्ने मुंह चुकिया होया नाले आदे ने अल्लाहुम्मा दी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून अल्लाह मैनू जानते नहीं ने अल्लाह इन्हां नू जानन वाला बना दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम नू इन्हां ने कहा मजनून दीवाना मेरे नबी आसमाना वने मुंह करके बैठे हुए ने आदे ने अल्लाह वेखिया ही ए मैनू की आदे ने मजनून आदे ने दीवाना आदे ने मेरे अल्लाह ने सूरह नूर उतारी और फरमाया नूर वल कलम वमा यस्तुरून सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह दे कुरान नु सुन करके सुभान अल्लाह कहना एदी दिल दे इत्मीनान और पाकीजगी दा इज़हार करने दा ज़रिया है सुभान अल्लाह दे उत्ते पैगंबर अलैहिस्सलाम दी हदीस पाक बुखारी शरीफ अंदर जिक्र होई फरमाया नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان مولا کریم نے فرمایا نور والقلم
इहदे माने कई सारे मुहद्दिसीन मुफस्सरीन ने किए हैं। एक माना तो यह जरा आम फहम माना किया जाता है, दवात दी कसम कलम दी कसम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तकरीर आप दावत कुरान व हदीस चैनल से समाअत फरमा रहे हैं। तमाम जय्यद अकाबर उलमा अहले हदीस की तकरीरों का वाहिद चैनल दावत कुरान व हदीस, दावत कुरान व हदीस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर अंदर पकदी पकांदी है, तारीफ तारीफ की जरूरत नहीं है। लंदन तबलीगी दौरे पे गए तो एक बहुत बड़ा गेट उन्हें मच्छी के कंडे नाल बनाया होया है, कई फुट सैकड़ों फुट लंबा गेट जिदे हेठों गुजर करके जाना पैंदा है। अल्लाह करीम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया कि मेरे पैगंबर कोई ख्वाहिश है तो इजहार करो। अल्लाह के नबी अर्ज करन लगे, या अल्लाह मेरा दिल करदा कि मैं तेरी सारी दुनिया की रोटी पकावा, मखलूक की दावत करा। मौला करीम ने फरमाया, नहीं मेरे नबी, ये मेरा ही कम है, नहीं खुला पिला सकना, ये तेरा कम नहीं है। और फिर वाकया बात एक है कि रिज्क की तकसीम अल्लाह ने अपने जिम्मे ले ली, जे किसी नु ठेका दे दिता जाता तो उन्हें वहाबियों नु जरूर तनखा तनखा मारना था। क्या भाई एवं है कि ये अल्लाह का एहसान है कि उन्हें अपने दिने बरकत ले ली है, किसी ने रिज़्क दा ठेका अता नहीं फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम ने फरमाया पका लो। हजरत ने जिन्ना नू इंसाना नू खाना पकान ते ला दिता, कई तलाब खाने दे भर छड़े, किन्निया देगा हलवे मुबारक दिया, हाय हलवा सुभान अल्लाह है, पका पका करके ढेर ला दिते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ख्याल तय करते ने, अज कीड़ियां दीवारी, कबूतरां दीवारी, चिड़ियां दीवारी, मकौड़ियां दीवारी, एवें तरह बारियां लगियां रहनगियां, साल खा साल मेरा खाना चलता रहेगा। अल्लाह करीम नूं अर्ज कीता, अल्लाह एक वांडो हुण अपनी मखलूक नूं गलना भी शुरू कर दे, एक खाना खराब होना ना शुरू हो जाए। मौला करीम ने इको ही दरिया की मछली नूं कहा, दरिया की मच्छी जा करा मेरे प्यारे का खाना खा करके आ, दावत खा करके आ। मच्छी आई, केहो जी मच्छी, किन्नी बड़ी, अल्लाह ही जानता है। इतना होया हवा नूं हुक्म कर दिता, सने बर्तना दे सने खाणियां देगा दे सारा कुछ खिच करके मेरी मच्छी दे करीब कर दे। मच्छी ने एक ते दो ते तीसरे घुट विच सारा हिसाब कर छड़िया। और मछली वेदी है अल्लाह दे नबी बने, ते अल्लाह दे नबी वदे ने मछली बने, सुभान अल्लाह। मच्छिया दी अल्लाह दे नबी कुछ होर लै करके आ। अल्लाह दे नबी पुछदे ने, मच्छी आ जड़ा कुछ खादा ही, किन्ने क साल बाद खादा ही, ते किन्ने साल फिर तेनू खाने की लोड़ नहीं पैनी। आदि अल्लाह के नबी जेडे चंगे मेजबान होंगे ने, मेहमाना पुछते नहीं होंगे भी ताकि खुराक कितनी के है, चंगी गल भी नहीं ना लगती, भावे मेहमान किहो जिहा भी होवे। नबत लड़ा बंदर एक वाकया जिक्र होया कि एक बंदा प्राणा आया तो उन्हें आख्या रोटी खानी है। घर आले ने आख्या भी एक प्राणे की गल कड़ी होंगी है, तू बह नहीं आ तेन रोटी खिला देने। ते चार रोटियां ले आया, सालन अगे रखिया, आंदे नू रोटियां साफ। घर आला समझ गया भाई बंदा जरा चौखा ही नजर आता है। दस रोटियां सालन का कौला लिया, फिर वापस आया रोटियां भी साफ, ते बिस्मिल्ला नाल सालन भी। हत्ता शरा मर्रा तिन दा दहाक्यों, सौ सौ रोटियां तेवे सवा क मन दाल दा भी साफ हो गया। तो पुछदा है खैर नाल सरकार किधर जा रहे ने, यादा मेरा मेदा खराब है ते इलाज वास्ते जा रहा। यादा चंगा, जदो अल्लाह तुहानू शफा देवे ते फिर साढ़े आला मना ना लै करके आयो, जे जाने जनाब तशरीफ लिया तो बच्चिया से हाथ साफ करे, सुभान अल्लाह। तो बस कभी कभी इन भी मेहमान चक्कर पैंदे ने। अल्लाह दे नबी जे पूछ लिया खाई कि मैं किन्ना खानी हाँ, मैं सवेरे का नाश्ता तेरे दरवाजे तो किया है तो भुखी जा रही हाँ, मेरा अल्लाह सवेरे दोपहर शाम मैनू रजा के खवांदा है, कदी पुछिया भी नहीं कितना खानी है, ते कदी भुखिया रहन भी नहीं दिता। वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज इल्ला अल्लाह रिज़्को खा मा यदुब्बा अला अर्ज, जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है हर दे रिज़्क दा जिम्मा अल्लाह ने अपने दिले ले लिया है। आज ना
तो मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने रूहानी जिस्मानी इज़्ज़तां दी हद कर दी। अल्लाह करीम ने फरमाया नो वल कलामी वमा यस्तुर माता बिनियमती रब्बी का बिमजनून। अल्लाह अल्लाह माता बिनियमती रब्बी का बिमजनून। तू अपने रब दे फजल नाल दीवाना नहीं है। वह इन अल्लाह का लाजरल गहरा ममनून। सुभान अल्लाह। वह इन अल्लाह का लाजरल गहरा ममनून وَإِنَّ لَكَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ أَوْ رَبَّ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى खुलक नाजीम। मेरे नबी तुसी ते खुलक अजीम दे मालिको। मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह मोहब्बत नाल दरावा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जोर नाल कहदीरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम गारे हिरा अंदर मौजूद ने। जिब्राइल अमीन अपनी असली शक्ल अंदर हजरत नु आकर के अर्ज करदा है इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक या इकरा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ने अगो फरमाया मा अना बेकारी मैं ते पढ़िया होया नहीं। इत्थे एक बात बड़ी जिम्मेदारी दी अर्ज करदा जो जाग करके सुनो ते क्यों भाई जागदे हो सुते हो अल्लाह फिर सुते सुते हाथ खड़ा करो अल्लाह तुम बरकत दे जरा उच्चा उच्चा करे भाई माशाल्लाह। ए बार आप सुन लो कोई बात नहीं इस गल की जज़ाकअल्लाह। माँ अल्लाह ने फरमाया इकरा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मैं ठीक है ना। हजरत ने अगो फरमाया माँ ना बेकारी मैं पढ़िया नहीं। ये दोवें लफ्ज़ कुरान मजीद अंदर मौजूद है नहीं। ये दोवें लफ्ज़ कुरान मजीद अंदर मौजूद नहीं। इकरा या मुहम्मद है भाई किते मां ना बेकारियन है किते नहीं है। ये किदे अंदर है हदीस अंदर है हदीस पाक अंदर है यानी हदीस पाक ने जनाया ते कुरान नू जानिया। सुभान अल्लाह। हदीस पाक ने जनाया ते कुरान नू जानिया। हदीस पाक ने मनवाया ते कुरान नू मनिया। हदीस नू पहले मनिया कुरान नू बाद इच मनिया। हदीस पाक ने दसिया के कुरान है लिहाजा मनिया कुरान है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह है कुरान है यानी हदीस पहले कुरान बाद अंदर। अल्लाह अकबर। हदीस पाक ने मनवाया अल्लाह है कुरान है नबी और रहमत है कि असी मनिया। गोया मसला समझ दे अंदर आया कि कुरान मनन तो भी पहले बंदे अहले हदीस कहलाए हदीस नु मनन आले बने। सुभान अल्लाह। अबू बकर अहले हदीस बनिया जनाब उमर अहले हदीस बने जनाब उस्मान अहले हदीस बने जनाब अली अहले हदीस बने। हदीस नु मन करके ने कुराने मजीद नु मनिया। मां अना बेकारियन हजरत ने फरमाया जिब्रील ने सीने नाल लाया ला करके घुटिया हत्ता बलग मिनल जुखदा चंगी तरह घुटिया फिर अर्ज कीता इकरा या मुहम्मद। हजरत ने फिर फरमाया मां अना बेकारियन त्रै दफा जब जिब्रील थक गया हुण मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी सवान जदों तक जिब्रील पढ़ांदा रहा मेरे नबी ने नहीं पढ़िया हुण अपने आप ही पढ़न लग गए इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक। या अल्लाह इन क्यों होया कोई इंज ना आखन लग जावे कि मेरा नबी पढ़दा है ते जिब्रील दे पढ़ाया पढ़दा है। ओ लोगो नहीं 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 मेरा नबी पढ़दा है ते अल्लाह दे पढ़ाया पढ़दा है। मेरे नबी दा उस्ताद जिब्रील नहीं है मेरे नबी दा उस्ताद बराए रास अल्लाह दी जात है। जिब्रील दे पढ़ाया हजरत ने नहीं पढ़िया हजरत ने पढ़िया ते अपने रब दे पढ़ाया पढ़िया और पढ़ रहे ने इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक। सुभान अल्लाह।
मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम वही कोलो फारिग होए जिब्रील अमीन नु असली शकल अंदर हालत अंदर वेख्या हजरत दी तबीयत ते गहरा असर परेशान जे हो करके जा रहे ने हुजूर अलैहिस्सलाम सीधे सैयदा खदीजतुल कुबरा दे घर अंदर पहुंचे अल्लाह अल्लाह हजरत फरमाया करदे सन खदीजा खदीजा ही सी खदीजा खदीजा ही सी खदीजा अंदर केड़ियां खूबियां खदीजा ते खदीजा दियां दियां मेरे नाल शाबे अभी ताले विच पत्ते खा खा करके गुजारे कीते खदीजा खदीजा इसी हजरत घरे आए फरमा रहे ने जम्मे लूनी दस रूनी सैयदा खदीजा ने जल्दी नाल कंबल उड़ाया कंबल उठा करके मेरे नबी ने देना शुरू कीता नाले नाला दिया ने अल्लाह अल्लाह नाले नाला की जा रही ने इन्नका लतसिल रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादू दस्ते शफकत रखने आले गरीबा नाल हमदर्दियां करने आले बेवकान दे सिरा ते दस्ते रहमत रखने आले अल्लाह अल्लाह कल्ला बल्लाह मा युखजी कल्ला हो अबादा मोहम्मद तेरे रब की कसम है अल्लाह तय जे बंदियां नूं शर्मिंदा नहीं कीता करदे जिहड़ियां दे खुल्क अखलाक एडे बुलंद होण इस करके अल्लाह ने फरमाया वा इन्नका लाला खुल्क नज़ीम। एक दिन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आदिया ने कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू यकीन है कि तुहाडे ते अल्लाह दी सच्ची वही आउंदी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तकरीर आप दावत ए कुरान हदीस चैनल से समाप्त फरमा रहे हैं। तमाम जय्यद अकाबर उलमाए हदीस की तकरीरों का वाहिद चैनल दावत ए कुरान हदीस दावत ए कुरान हदीस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदा खदीजतुल कुबरा दे झोली विच हजरत ने सर कीता सैयदा ने हजरत नूं गोदी विच लै लिया और अपना दुपट्टा थोड़ा जिन्ना इन करके सिरका दिता जो इथों वाल नंगे हो गए। फौरन वही दी कैफियत खत्म हो गई। हंस करके हजरत तशरीफ उठ बैठे फरमाया मेरे पैगंबर तखानो मुबारक होवे कि अल्लाह दा सच्चा फरिश्ता सच्चा नामूस वही लेकर के आउंदा है। किसी किस्म दा दे अंदर शको शुबा नहीं है। जिवे मैं वाल खोले सर जे कोई शैतानी हरकत होंदी ते कभी खत्म ना खुंदी। अल्लाह दा सच्चा फरिश्ता है। मैं थोड़ा जिन्ना दुपट्टा सिरकाया फौरन आसमाना बने चलिया गया। पता चलता है कि सच्ची वही है अल्लाह दी सच्ची बात लेकर के आया है जिदे अंदर किसी किस्म दा शको शुबा नहीं। सुभान अल्लाह। यह है सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला। मोहब्बत नाल कहो भाई मोहब्बत नाल क्या बात हो गई भाई की वीरा की बात है मेरे पुत्र जा करके जरा ख्याल करो मेरी तरफ। मौला करीम ने फरमाया इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। मेरे पैगंबर तुसी ते खुलके अज़ीम दे मालिक हो। मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जोर ना लिखो साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम हतीम अंदर तशरीफ रखते ने अपने रब नाल लौलाए खोए जुल्फां बखेरियां हुई सोना चेहरा अपने रब नाल गल्ला कर रहे खैर अल्लाह अल्लाह। इधरों जम्माद अजदी शाम का बहुत बड़ा फसूंगर जादूगर मक्के वाले आ गया मियां तू इन कर साडे मुहम्मद का इलाज कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहेगा असी तेनू इनाम और इकराम देंगे। वो नवी नवी बातें करता है नवे दीन की गलबात करता है तू ओदा इलाज कर दे। ए जा करके मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम कोल पुछदा है मासमुक तुहाडा नाम की है। हजरत फरमांदे इस्मी मोहम्मद सुभान अल्लाह। ना ही केदा मिठा है ठंड पैन लग जाती है कलबो जिगर नु सुकून मिलता है। हजरत का नाम लिया तबीयत सुकून की कैफियत तारीख होंगी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम मोहम्मद
मुहम्मद पढ़दियां लैंदियां लू लू ती चर जावां कैसा नाम मुहम्मद अहमद ओ कुर्बान मैं जावां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील कहे मैं लैंदियां चढ़दियां ढूंढिया जग तिरसीला मोहम्मद जिहा न मानस मिलिया ना हाशिम जिहा कबीला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद है मासूमों के ताड़ा ना किए हजरत जवाब चाह देने इसमी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे और कोई कम ना होवे ते ये हो बात कर दे रही है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेंदिया लेंदिया क्यामत आ जावे पढ़दिया उठिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह मेरे प्यारे पैगंबर आ देने इसमी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ फैला मैं तेरे खत्ता दिया लकीरा पड़ा मैं वेखा ताड़े ते जादू है टोना है टोटका है सहरे किसे परीदा साया है किसे ने तवीद गंदा कर देता है मैं ताड़ा इलाज करा जिस जगह ते कोई मौलाना बिलफजले औलाना खुंदे ते एक थप्पा टिका दे मुते आदे मैं तेरा इलाज क्यों ना कर छा मगर इतने जहाना दी रहमत मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम उम्मतां दा हकीमे उम्मत सुभान अल्लाह उम्मतियां दे हकीमे उम्मत हजरत जवाब विच उदों जवाब देंदे ने फरमांदे ने अलहम्दुलिल्लाह नहमदुहु वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसना वमिन سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله زماد نے سنیا تے اکھاں کھل گئیاں یاد رکھو دل دا کیفیت دل دی بصیرت जाग दी होवे अखा आपे ही खुल जांदियां ने दिल दा अन्ना होवे कदी अखा नहीं खुल दिया एवे टामक टोइयां विच जिंदगी गुजार बैठदा है हजरत नु आदा है अर्ज करदा है ऐ जिक्र का या मोहम्मद ए वही जिक्र एक बारी फेर लौटा दियो हजरत दूसरी दफा शुरू कर देंदे ने अलहम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरुहु हजरत ने खत्म कीता फिर अर्ज कर नाले रोई जा रहे है नाले अर्ज करता है दे जिक्र का या मोहम्मद हजरत देखो जिक्र एक बारी फेर छेड़ दियो हजरत ने तीसरी दफा पढ़िया अलहम्दुलिल्लाह नहमदुहु हजरत अजे ते पहुंचे ने व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जमाद भी नाल अर्ज कीती जा रहे व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व नशहदु अल्ला मुहम्मद अब्दुहु व रसूलु मगर मन विरा व इन्नका लाला खुलुक नजीम मेरा मेरे पैगंबर तुसी ते खुलके अजीम दे मालिको जड़ियां दे खुलके दे बुलंद होनो मेरे नबी दीवाने नहीं होया कर दे हजरत नु फरमाया व इन का लाला खुलुक अजीम एक बंदा आया आदा जनाब उतबा शैबा अबू लखब सारे बैठे हुए ने इन्हों आकर कह दे भाई तुहाडे विचो कोई बंदा अमर इबन हशाम नु जानदा है यानी अबू जहल दा नाम है सी अमर इबन हशाम और एदी लकब है सी अबुल हकम फैसलियां दा बाप उस वक्त तक कोई फैसला तौसीक नहीं सी पांदा जदों तक एदी मुखर नहीं सी लग जांदी एदे दस्तखत नहीं सन होंदे हजरत ने फरमाया अबुल हकम कदों है ओते अबू जहल है जालिम जिन्हों अल्लाह दी तौहीद समझ नहीं आंदी पैगंबर दी शान समझ च नहीं आंदी ओ अबुल हकम कदों है ओते अबू जहल है आइंदा तो अबू जहल कहा जाने लगा ये आदा क्यों भाई कोई जानदा ये अगले जिया कम की है ये आदा जी मेरे कोलों ने कोई कुछ अरसा होया है उठ लिया सी
या घोड़ा लिया सी ते उहदे पैसे नहीं दे रहा। जदों मैं जाना आना टाणा ला छड़दा पैसे नहीं देंदा। जे तुहाडे विचों कोई बंदा है तो चलो चल के यार उहनूं कहो मेरे पैसे ही दे देवे। उचके बंदियां कोलो लोग उन भी डरते ने कि मत्थे नहीं लगेंगे उहदे, मत्थे लगेंगे तो वाह तबाह बोलेगा, कोई जान का फायदा नहीं होएगा। जेड़े बंदियां नूं लत पै गई है ना किसी के पैसे खा जाने की, बस करके कोई बंदा उन्हें जाके कहने का ही रवादार नहीं होंदा। जो एडा भैड़ा है कमबख्त, एडा मूंह का भैड़ा है कि कोई गया तो आखा मनने की बजाय दाड़ी लू सटेगा, दाड़ी नाल छेगा उसकी इज्जत लू सटेगा। कोई बंदा जरूरत नहीं करता। आंदे नहीं मिया नहीं साड़ी नहीं गल मानता। जिस बंदे ने सिर सजदे विच रखिया होया ना उन्हूं जा करके आ खुद ही वड़ी मानदा है। यानी किदी तरफ इशारा कीता है इन्होंने, हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफ। इन्ह पापियां दा ख्याल है सी कि एक मजाक दा नया रस्ता खुलेगा, ये जाके कहेगा हजरत अगो कहणगे नहीं मियां नहीं मेरी ते उहदी ते रोज लड़ाई बनदी है, रोज असी लड़ने आ, मेरी उह कदों मानदा है। मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम नूं जा करके अर्ज करदा है जी ओ बंदे आदे ने तुहाडी अबर इब्ने हशाम अबू जहल वड़ी मानदा है, चलो चल करके मेरे पैसे ही दवा दिओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पे फरमाया उठ चलिए। अल्लाह अल्लाह, और मैं सदके इस जीदार पैगंबर तो, मैं वारी इस खुलका वाले पैगंबर तो, फरमाया उठ चलिए। जा करके अबू खड़काया, अबू जहल बार आया, हजरत आदे ने अबू जहल इस बंदे दे पैसे देने नहीं, यादा जिया देने ने, फरमाया हुणे ही दे दे। अंदर गया पैसे ले आया ते दी झोली विच पा दित्ते। आदा जी शुक्रिया जनाब तुहाडी मेहरबानी। उन्होंने भी जा करके आदा चौधरी ताडा भी शुक्रिया भाई, चंगे बंदे का पता दसिया साजे, एक मेरी भी अबू जहल ने इनकार नहीं किया, उस वेले ही पैसे दे दिते सो। ये आंदे ओ मारे गए, तबाह हो गए, लुटे गए, उन एडिया मानता है, उन रोज मुखालफत करता है, चलो चल करके उहदे नाल निछटिए। आ जा करके आदे ने अज साडी ते चंगी इज्जत कराई है, असी ते मजाक की गल सोची सी और तू उस वेले ही उहदा आखा मन करके उस वक्त ही पैसे दे दिते नी। मैं पैसे ना देंदा, इंज लग के मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा खुल के अदीन फरमाया बाइका लाला खुलो के अदीन। मैं पिछले दिनों ताइफ गया, मैं हैरान रह गया कि पहाड़ा पहाड़ा दी उत्तों उत्तों जे बंदा गुजर के पहाड़ी रस्ता लै करके आवे ना ते तकरीबन 100 मील नालो वध वाट बनती है। अल्लाह अकबर। ते मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ तबलीग वास्ते ताइफ दा सफर इख्तियार किया और पैदल सफर हजरत ने सारे किया और उन लोगों ने सलूक यह किया कि पत्थर मार मार के लहूलुहान कर दिता। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम उकास दे मेले दे अंदर बात फरमा रहे ने, अल्लाह दी तौहीद सुना रहे ने। और जनाब इब्ने रुकाना नामी ग्रामी ईरानी नस्ल दा पहलवान अपने चेलियां नूं पठियां नूं पहलवानां नूं पूछदा है, ओ मियां ऐ जड़ा बंदा शब्दों मत नाल जोर जोर नाल अरबी जबान विच कुछ कहे जा रहा है, दसो ना ये की बयान करता है। अगर सरदार सानू भी गल तो समझ के अंदर नहीं आती, इतनी बात समझ आती है कि अगर कोई नवा दीन मान लो, नवे खुदा की इबादत करो, लात मनात उसका खुबल नु छड़ दो, अल्लाह अल्लाह कोई इन दिया बातें करता है, इनू मजाक सुझदा है, मस्खरी सुझदी है। अगे होकर के आदा मियां मैनू तेरी गलबात ते समझ के अंदर नहीं आ रही, मैं ते पहलवान हाँ कुश्तियां लड़निया जानना, जे मैनू तू कोल कोल के कुश्ती लड़के टाल लवे ते मैं तेरी गल मान लवांगा। क्यों भाई सोचो जरा ख्याल करो, कोई इस जगह ते मौलवी साहब खुंदा ते आदा मैं कुश्तियां लड़न वास्ते आया, मैं सदके उस दीदार पैगंबर तो जरा कोई वार तबलीग दा खाली नहीं जान देंदा। हजरत ने फरमाया इब्ने रुकाना अल्लाह दे नबी कुश्तियां लड़ने वास्ते नहीं आया करदे, पर तेरी हिदायत जे अल्लाह नूं एवें ही मंजूर है आ फिर मैं तेरे नाल कुश्ती लड़ने वास्ते भी तैयार हाँ। और मैं सदके उस दीदार पैगंबर तो जरा कोई वार तबलीग दा खाली नहीं जान देंदा। हजरत मैदान विच खड़े होए, लोग पिछे पिछे हट
लंघना शुरू हो गए। पहलवाना ने इंतजामिया ने लोगों परे परे करना शुरू कर दिता। इबने रुकाना ने लंगोटा कसिया, मनो लोखा पैरों में पा के खिंचन वाला मैदान का चक्कर लाया, तरफा मारदा डींगा मारदा बकवास करता होया, लापा बकदा होया, मैं ये कर दिया वो कर दिया, हजरत दे कोल आया, आ करके वेदा है मेरे सोने नबी ने पटका रखिया होया, कुर्ता मुबारक पाया होया, चादर मुबारक बदी हुई है, जुत्ती पाई हुई है, हजरत इस्तकामत दा पहाड़ बन के खड़े होए ने। इबने रुकाना दा जनाब तुसी ते आदे सो मैं कुश्ती लड़ांगा ते हुण तैयार नहीं होएगे, लंगोटा नहीं कसिया। हजरत आदे ने इबने रुकाना मैं कुश्ती जरूर गुल पहना पर मैं नंगे पिंडे कदी नहीं होया। अल्लाह अल्लाह, ओए मैं सदके उस पैगंबर तो जिदे हया कोलो अरब दियां कौरियां लड़कियां हया दा सबक सिखदियां ने। जवानी एडी बेताब जवानी है कि आदे ने अरब दियां कुआरियां लड़कियां एदे हया कोलो हया दा सबक सिखदियां ने, हया दा दर्स सिखदियां ने। ए नीले कमीज वाला दसे मैं की आख्या, ए नीले कमीज वाला दसे भाई क्यों भाई एनु कुछ की आख्या मैं, इसे नु की आख्या मैं वीर, ए मैं हुण की आख्या। वेख्या तुसीं रात जाए करन वाले बंदे जे, तुहानू सियाणा बनना चाहीदा है। मेरी दरखेज मिट्टी दे तुसी नौजवानों नू ते पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया बकत मिन खशियतिल्लाह, जेड़ा नौजवान मेरे कोलो डर के रो पैंदा है अल्लाह उहदा अर्श दी छां हेठ जगह अता फरमांदा है। अल्लाह अकबर। तो जनाब अर्ज कर रहा मेरे प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया मैं कुश्ती जरूर लड़ पैना पर मैं नंगे पिंडे कदी नहीं होया। याद है चलो जी एवे ईसाई हो जान दो दो हथ। हजरत ने फरमाया हो जान। मेरे प्यारे नबी अलैहि सलाम दे करीब आया, करीब होया, इन जोड़ करके डिग गया जिवे तिनका दूर उड़ करके जा गिरदा है। खिसियाना जा होकर के आखन लगा मेरा पैर तिलक गया से। यह आखते ना टह जाने वाले यह आते होंगे ना जी पैर तिलक गया से, मेरा पैर तिलक गया सी। हजरत ने फरमाया दोबारा आ जा। दोबारा गिर गया, आधा एक वेरी हो। हजरत ने फरमाया तीसरी वेरी आ जा, फिर डिग पिया। ये आदा समझ नहीं आती मैं एडा वड्डा पहलवान डैल डौल ते कदकाठ वाला दुनिया का मनिया होया एक नंबर पहलवान, मैं तुहाडे करीब ही नहीं आ डुकदा, तुसी दूर ही खड़े रख जांदे हो, मैं तुहाडे हाथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तकरीर आप दावत ए कुरान हदीस चैनल से समाप्त फरमा रहे हैं। तमाम जय्यद अकाबिर उलमाए हदीस की तकरीरों का वाहिद चैनल दावत ए कुरान हदीस, दावत ए कुरान हदीस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरफराज कर छड़िया ओते ही डिगया खोया दे, फिर कलमा पढ़ाओ ते मुसलमान बना लो, कलमा पढ़िया ते मुसलमान बनिया, मगर मनना पवेगा व इन्नका लाला खुलके नाज़िम। मेरे पैगंबर तुसी ते खुलके अज़ीम दे मालिको, जेड़े दे खुलके दे बुलंद खो, ओ मेरे नबी दीवाने नहीं होया कर दे। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम सफा मरवा दी पहाड़ी ते चढ़ करके बैठे हुए ने, अपने रब नाल गल्ला कर रहे ने। ए दो अबू जहल मलून आया, आदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर नाल कहो सल्लल्लाहु, आदा कोई नवी वही जोड़न लगा ते मेरे नबी जाहला नाल मत्था नहीं लाया करदे सन। ये भी एक तरीका तबलीग दा है कि जाहला नाल मत्था ना लाना, ये भी तबलीग दा तरीका है। हर जाहल नाल मत्था लाओगे तो कदों पूरे आओगे। इलम वाले नाल ते इलम दी बात करो मगर जाहिल नाल की बात करोगे। इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना फकालू सलामा, मेरे प्यारे नबी अलैहि सलाम चुप हो करके बैठे हुए ने। यादा एक नवियां वहियां जोड़दा रहने, रोज नवी वही जोड़ के आना। मेरे अल्लाह ने कहा माद अल्लाह, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह, ते एक बोलदा नहीं है। इन्हें पत्थर उठाया और मेरे पैगंबर ने सुटिया, हजरत दे मत्थे मुबारक विच लग गया, मत्था फट गया, लहू वगन लग गया, चेहरा लहू लुहान हो गया, लहू वग वग के मेरे नबी दी दाढ़ी बह गया। इधरों एक मुशरिका दी औरत ने देखा दौड़ती खोई आई, दुपट्टा छेती नाल पाड़िया, जख्म साफ कीते, दुपट्टा साड़िया, साड़ के जख्म अंदर भरिया,
पट्टी बनी और दौड़ती हुई जनाबे हमदा के दरवाजे ते हमदा हमदा हजरत हमदा ने दरवाजा खोलिया पूछया नहीं की हो गया एडी शद्दो मद नाल बुआ खड़का रही है ए आदि जब मैं ते इतना पूछण आई हां हमदा मोहम्मद दे चाचे जोंदे ने के मर गए ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमदा तड़प गया खड़ा गया नहीं की आखदी है यादी अदे हमदा तू ही जीवे तेरे ज्योंदिया तेरे भतीजे दा सिर अबू जखल कमीना पार जावे या ज्योना छाड़ दे या बदला लेकर के आ हजरत हमदा दा चेहरा लहू लुहान हो गया तलवार उठाई तीर उठाया कमान पकड़ी दारन नदवा काबतुल्लाह दे नाल जिथो आज आदान दी सदा बुलंद होंदी है इत्थे मुशरिकां दे कट्ठे होने दी जगह दा नाम दारन नदवा इत्थे ही आकर के अबू जखल नूं गिराया ओदे सीने ते पैर रख के खड़े हो गए तलवार मार करके मत्था पार दिता आंदे ओ तौल ला देवा जेड़ा मेरे भतीजे दे खिलाफ बकवास कर दिया नजर आवे ओ मैं बंदे मुका सुटा जेड़ा मेरे भतीजे दा राह ढकण ओ बंदियां नूं ओंदी धरती तो मुका देवा जेड़े मेरे भतीजे दे खिलाफ जबान चुकण अल्लाह खल्ला लोगा छड़ा छड़ाई कराई आंदे ने छड़ दियो अज मैं इहदी खल ला के तूड़ी भर देनी है इहदे हाथी दी लिद भर देनी है जालम दी इहनूं जुरत किवें होई मेरे भतीजे ते हाथ चुकदिया अबू जखल आखी जा रहा है नहीं ऐंदा इंदी हरकत नहीं करांगा मिंता कीती जा रहा है लोगा छड़ा छड़ाई कराई गुस्से नाल पसीना पूंज दे होया सफा ते चढ़े मेरे नबी दा मत्था चुमी जा रहे ने नाले आदे ने मैं ओ पापी बंदे ओन मुका देवा जेड़ा तेरे बन्ने अख उठा करके वेखण मैं हुण ते बदला ले आया ना आइंदा कोई उठ आइंदा कोई साह ऊंचा करने की जरूरत नहीं करेगा अल्लाह अल्लाह तू खुश हो गया है ना मेरे पैगंबर चुप हो करके बैठे हुए ने हजरत बोलते ही नहीं ने हजरत हमदाद ने मैं बोली जा रहा तू बोलता नहीं है मेरे पैगंबर देर बाद फरमांदे ने चाचा सच पूछे ते मैनू कोई खुशी नहीं हुई अल्लाह अल्लाह इत्थे मौलवी थोड़ियां जिन्नियां दूजियां नूं गालां देंदे ने ते लोग कंडा थपदे ही वारी नहीं आउंदी आदे ने बल्ले बल्ले साडे मौलवी ने कमाला ही कर दित्तियां ने इत्थे अबू जखल जैसे मलून बंदे दा सिर पाड़ी खड़ा है बंदा अल्लाह अल्लाह हजरत हमदा नाल रोंदे ने आदे ने इंज ना समझिया कर जे तू कल्ला खै मैं तेरा बाप बेली बिरा दियां ते मैं तेरे अब्दुल्ला दी जगह ते तेरा बाप यानी चाचा भी हां हजरत आदे ने चाचा सारियां मुहब्बतां ठीक मगर सच पूछे ते कोई खुशी नहीं होई पूरे मक्के दे मुशरिक मार सुटे ता भी कोई खुशी नहीं है पूरी दुनिया मुशरिका कोलो खाली कर देवे ता भी कोई खुशी नहीं है हजरत हमदाद ने भतीजा दसे ना फिर तैनू किस गल्ले खुशी हो सकती है मैं ओ ही कर लवा जेड़ी गल्ले तू खुश हो जावे हजरत खास के आदे ने जे मैनू खुश करना ही कलमा पढ़ ले ते मुसलमान हो जा हजरत हमदा ने ऊंची नाल कलमा पढ़ना शुरू कर देता कलमा पढ़े मुसलमान हो गए मगर मन विरा वाइल्ला का लाला खुलूक अज़ीम मेरा पैगंबर तुसी ते खुलके अज़ीम दे मालिक हो जड़े दे खुलक एडे बुलंद खोल ओ दीवाने नहीं होया कर दे मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत नाल गज के कह रहा सल्लल्लाहु तशरीफ फरमा होए मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे सामने हातम ताई दी लड़की कैद हो करके आई पैगंबर रहमत हुजूर अलैहिस्सलाम वेदे ने एक औरत सिर तो नंगी है हजरत ने जल्दी नाल अपनी मोहरे नबूवत कजण वाली चादर लोगो जिस चादर दियां अल्लाह कसमा खावे या अय्यो खल मुद्दसरो कौम फांदर उठा करके इस बीबी दे सिर उत्ते पा दित्ती लोग वेखण लगे सहाबा वेखण लगे अर्ज करदे ने महबूबा ए ते दुश्मना दीए काफरां दी दीए मुसलमानां दी लड़की ते नहीं है हजरत ने फरमाया वीरो दी दी होया कर दीए भावे दुश्मन दी भी क्यों ना होवे ए मेरे नबी दी सोनी तालीम है नौजवानों नौजवानों अपनिया बुरका पोश बैना ते आवाजा कसन वाले हो बस सटापा ते खड़े हो करके गाने गाउण ते आवाजा कसन वाले हो डायलॉग बोलने वाले हो पैगंबर फरमा रहे ने धी धी होया कर दिए भावे दुश्मन दी भी क्यों ना खोवे हजरत ने देखिया पूछिया बीबी तू की चाहनी है आदि है हजरत कैदियां दा चाहना ही की होंदा है मेरे पैगंबर रो पैंदे रे आदे ने नहीं नहीं तू दस की चाहनी है आदि है सरदार बाप दी धीआं
सरदार वीरां दी भैणा जो चंगा करो ते मैनू मेरे घरे पहुंचा दिओ। हजरत ने फरमाया सहाबियो जाओ भाई इनू इहदे घरे छड्ड आओ। सुभान अल्लाह, दस सहाबा नाल रले और सहाबा दा ए आलम है कि उन्हां दे कपड़े फटे हुए, सिरा ते रुमाल नहीं ने, बाल बिखरे हुए, बटना दी जगह ते कंडे सूला टूंगिया होया। अल्लाह अल्लाह, एक कुद्दूसिया दा गिरोह साथ लग्या। इस बीबी नूं पहुंचाउण वास्ते गए, किसे दे पैरे जुत्ती नहीं खै, किसे दे सिर ते रुमाल नहीं है, किसे दे कपड़े नहीं खैन, अल्लाह अल्लाह फटे हुए हैं जगह जगह तो, किसे कोल हथियार पूरा नहीं है, मगर खैन कौन? सहाबा मेरे प्यारे नबी दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बीबी नूं लै करके पहुंचे, लै करके गए पहाड़ उत्तो उतर रहे खैर, दर्रे दे अंदर अदीद अदीद साथी अपनी भैन नूं छुड़ाने दीआं तैयारियां कर रहे हैं, तलवारां टिकियां कर रहे ने, नेदे दीआं अलियां सिधियां कर रहे ने। अल्लाह अल्लाह, एक बंदा वेदाया दा सरदार जी ओ वेखो ना साडी भैन दुश्मन दे सिपाहियां नाल आ रही है, जे इजाजत देवे ते इन्हां सिपाहियां नूं इत्थे ही मुका दईए तीरां नाल। अदी बड़ा सियाणा बंदा सी, आदा नहीं हुण जान किधरे नहीं लगे, तो बच के नहीं जांदे, इन्हां नूं आउण दिओ, अगे आउण दिओ। अंदर आ गए, दर्रे दे अंदर आ गए, गैरतमंद भिरा अदी अगे होया, अगे हो करके अपनी दुश्मन दे सिपाहियां नाल बैण नूं वेख करके गैरत भरिया सवाल कीता, अब कैफ वजदत असहाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मेरी भैन, खैरत वाली भैन, इन दुश्मन दे सिपाहियां ने तेरे नाल किवें दा सलूक कीता है, इतनिया रातां इतने दिन जो इन्हां नाल रही है, इन्हां तेरी इज्जत नाल किवें दा सलूक कीता है। ए भैन अपने सके बिरा दियां अखां विच अखां पा करके आ दिए, वे मेरी मां जाए बिरावा, जेड़ा हया मैनू इन्हां दियां अखां अंदर नजर आया, अल्लाह दी सां ओ तेरियां अखां विच भी नजर नहीं आंदा, क्यों नहीं नजर आंदा? वा इन्ना काला ला खोलो के नाज़ीम, मेरे नबी तुसी ते खुलके अधीम दे मालिक हो, जेड़े दे खुलके दे बुलंद खो, ओ मेरा पैगंबर दीवाने नहीं होया कर दे। एक साहबी इमाम लेने वास्ते हाजिर होया, अर्ज करदा है हजरत मेरा दिल करदा है कि मैं तो आते कलमा पढ़ लवा, मगर मैनू गुनाह दियां बड़ियां आदतां ने, मैं बदमाशी दा दियां, शराब दा दियां, जुए दा दियां, अल्लाह अकबर गलत बातां दा दियां, मैनू ये बातां छड़नियां गवारा नहीं, जे मैनू बातां करन दी इजाजत दे दियो ते मैं तो आते कलमा पढ़ लवा। हजरत ने फरमाया मियां तू सारियां शर्तां अपनियां गिण दे, सारियां तेरियां सानू मंजूर ने। एक वांडो गिण लग गया, हजरत शराब तो बाद नहीं आवांगा, मेरे नबी ने हंस के फरमाया मंजूर है, बदमाशी करांगा फरमाया मंजूर, चोरी करांगा, जुआ खेलांगा, गलत सारियां बातां गिण गया। हजरत ने फरमाया मियां तेरियां सारियां मंजूर ने, तू मेरी सिर्फ इक्को ही बात मान ले। ये अगर लो जी मैं तुखा तुसी सारियां मेरियां मन लईयां, मैं तुहाडी इक्को क्यों नहीं मन्नांगा? फरमाओ मैं तुहाडी मन्नण नूं तैयार हां। हजरत ने फरमाया बस तू झूठ नहीं बोलेगा, बाकी तेरियां सानू सारियां मंजूर ने। ये अगर लो जी ठीक है मेनू कलमा पढ़ाओ। हजरत ने कलमा, यार अज सुने तू नबी अलैहिस्सलाम ते कलमा पढ़िया, ये अदा कलमा मैं पढ़िया है, मगर मैं उन्हां नाल शर्त कर नहीं सी कि मैं शराब तो बाद नहीं आवांगा। उन्हां आख्या सानू मंजूर है, मैं बदमाशी करांगा, मैं जुआ खेलांगा, चोरियां करांगा। हजरत ने फरमाया सी सानू मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, तब मैं कलमा पढ़िया सी। वाह 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 वाह, ये ते हद हो गई, उन्हें कोई नहीं सी गल की, उन्हें एक ही बात की सी कि तू झूठ नहीं बोलेगा। फरमाया फिर आखे बस एक ही कि झूठ नहीं बोलेगा, जे वो सवेरे पूछण के तैं शराब पीता सी ते फिर तू की कहेगा? मैं कहांगा पीता सी। फरमाया जनाब तू कहेगा पीता सी, उन्हें सीधिया कर देना, कोड़े अस्सी मार मार करके जिस्म नफीस फरमा देना है। कहना अच्छा ये गल है, उन्हें जी हाँ यो ही गल है, पर मैं सदके उस बंदे दे मनने तो, वो बंदा बंदे करते ही रहते ने गल्ला के ता की हो गया जे मैं कर लेते। वो आदा चलो मियां मैं फिर शराब ही नहीं पींदा, वो जाने झूठ नहीं बोला। रात सारे गुनाहों तो एवें बच गया,
सवेर होई मस्जिद नबी विच हाजिर होया, हस के अर्ज करदा कमली वालिया तुहाडी इक ही शर्त ने मेरिया सारिया शर्तां ते पानी फेर छड़िया है, मगर मन वीरा वहीं का लाला खोलो के नबी।